अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं काले चनों की खुगनी। यहाँ पर मैंने आधा किलो चने लिए थे जो कि मैंने पूरी रात भिगो के रखे हुए थे। फिर यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून नमक डाल के इसको अच्छी तरह बॉईल कर लिया। अब यहाँ पर चने अच्छी तरह बॉईल हो चुके हैं। चने बनाने के लिए हमें चाहिए 2 अदद प्याज, साबुत मिर्च अपने हिसाब से, हरा धनिया, इमली का पेस्ट 4 खाने के चम्मचे, 1 कप ऑयल, जीरा 1 टेबल स्पून, कड़ी पत्ता हस्बे ज़रूरत, और मसालों में नमक, कुटी मिर्च, काली मिर्च और चाट मसाला। अब कढ़ाई में हम 1 कप ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाए तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। इसको हम अब हल्का सा सुनहरी कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारी प्याज सुनहरी हो गई। अब हम इसमें साबुत मिर्चों को शामिल कर देंगे। यहाँ पर हमारी प्याज और मिर्चें फ्राई हो गई हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। प्याज और मिर्चों को थोड़ा पानी डाल के हम इसका पेस्ट बना लेंगे। अब ऑयल में हम जीरा शामिल करेंगे। जब जीरा अच्छी तरह कड़कड़ाने लगे अब हम इसमें कड़ी पत्ते को शामिल कर देंगे और साथ ही हम अपने चनों को भी शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर हम अपने प्याज और मिर्चों का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब जग में जो बचा पेस्ट था उसमें हम पानी डाल के इसमें शामिल कर देंगे। और इसको हम 10 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। अब 10 मिनट के बाद इसमें हम मसाले शामिल करेंगे और साथ ही इमली का पेस्ट भी। इमली का पेस्ट डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे। इसको अच्छी तरह भूनने के बाद हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे। 5 मिनट के बाद इसमें हम हरा धनिया शामिल कर देंगे। अब यहाँ हमारी काले चनों की खुगनी तैयार हो गई है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।